हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वॉल पेस्टल कलर करेंगे, लेकिन थोड़ा पेंटिंग स्टाइल में। सबसे पहले मैं पेंसिल से थोड़ा लेआउट यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ। इसमें हम लोग पोलो का वॉल पेस्टल यूज़ नहीं करेंगे, डोम्स यूज़ करेंगे, क्योंकि डोम्स पोलो से थोड़ा सॉफ्ट होता है। और ये जो पेंटिंग मैं कर रहा हूँ, ये जो सीनरी में बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा मुझे सॉफ्ट ऑयल पेस्टल का ज़रूरत है, इसलिए मैं डोम्स यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले लाइट ब्लू, यहाँ पे मुझे ये वाला पोर्शन को ब्लर में रखना है, इसलिए थोड़ा मैं कॉटन से ब्लेंड करने वाला हूँ कलर को। अब कॉटन लेके थोड़ा इस तरह से, जैसे देखिए मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, उस तरह से आप कलर को थोड़ा ब्लेंड कर सकते हैं इस तरह से। और ऐसे कलर को कॉटन में लगा के भी देखिए, इस तरह से लेके कलर आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एक फॉगी इफेक्ट आता है इस तरह से। मैंने ये पहले ये लाइट वाला काम कर लिया। अभी मैं ब्रिलियंट ब्लू यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा पत्ता टाइप का बनाएंगे, थोड़ा झाड़ी जैसा बनाएंगे, तो इसलिए देख सकते हैं किस तरह से मैं कलर का स्ट्रोक डाल रहा हूँ। इस तरह से आपको धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके कलर करना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे डोम्स ऑयल पेस्टल का एक खासियत है, इसमें कलर के ऊपर कलर कर सकते हैं, कलर बैठ जाता है, लेकिन पोलो में थोड़ा इससे बेहतर नहीं होता है। डोम्स में ये अच्छा होता है, कलर के ऊपर भी कलर हम आराम से बैठा सकते हैं। थोड़ा अगर आप कलर को प्रेस करके पेज में करेंगे तो कलर बैठ जाता है, दूसरा कलर के ऊपर दूसरा कलर बैठ जाता है, तो इसीलिए मैं तो ये डोम्स कलर इस ड्राइंग में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए रियल साउंड में रखा है वीडियो को, आप समझ सकते हैं किस तरह से मैं कलर का स्ट्रोक डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने रियल साउंड रखा है, इसलिए मैं कलर को किस तरह से स्ट्रोक डाल रहा हूँ कलर का। अभी मैं ठीक लाइट कलर जहाँ पे मैंने यूज किया था उसी का नीचे मुझे लीव ग्रीन कलर यूज करना है। अभी थोड़ा मुझे यहाँ पे ऑलिव ग्रीन से थोड़ा हल्का झाड़ी जैसा बनाना है। अब देख सकते किस तरह से मैं कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, कि ऑलिव ग्रीन से डार्क होता है सैप ग्रीन। अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जगह पे मुझे डार्क दिखाना है। यहाँ पे मैं लीव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रहा हूँ। किसी जगह पे थोड़ा सैप ग्रीन, किसी जगह पे लीव ग्रीन, किसी जगह पे ऑलिव ग्रीन, तो तीनों का कलर थोड़ा थोड़ा लेके कुछ कुछ जगह पे मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह से कुछ कुछ जगह पे ऑलिव ग्रीन, कुछ कुछ जगह पे सैप ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटी वार्प ब्लू यूज कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क दिखाने के लिए नीचे का पोर्शन। इस तरह से थोड़ा डॉट 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 मैं कर रहा हूँ, ऊपर में भी थोड़ा पत्ता वत्ता दिखा रहा हूँ हल्का, नीचे डार्क करना है इस तरह से। अब ये झाड़ी वाला पोर्शन में मैं लाइट से डार्क में कलर करेंगे, तो सबसे पहले लेमन येलो से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले आप लेमन येलो दे दे, फिर लीव ग्रीन यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
धीरे धीरे लाइट से डार्क में जाना है, अभी थोड़ा उससे भी डार्क, लाइट ग्रीन। अभी डार्क ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक लाइट ग्रीन का नीचे, पहले जो कलर का उसके नीचे, अभी लाइट ग्रीन का नीचे मैं ऑलिव ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। मतलब धीरे 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 नीचे 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 का तरफ आपको डार्क करना है, या फिर सैप ग्रीन यूज़ करना है आपको इस तरह से, तो धीरे धीरे लाइट से डार्क में इस तरह से करना है आपको, दिखाना है। ग्रे ग्रीन थोड़ा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रे ग्रीन कलर एक अलग टाइप का कलर मतलब है, अच्छा लगता है दिखने में कलर। यहाँ पे मैंने थोड़ा रियल साउंड रखा है वीडियो का, आप देख सकते हैं, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर करने के लिए इस तरह से आपको स्ट्रोक डालना होगा, थोड़ा ऐसे डॉट डॉट और प्रेशराइज करना, थोड़ा प्रेशर देकर आपको करना होगा। देखिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको साउंड मिल रहा होगा मेरा हर एक स्ट्रोक का। देखिए इस तरह से आपको करना है कलर को, तो डोम्स में ये वाला इफेक्ट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक कलर के ऊपर दूसरा कलर बैठ जाता है, अगर थोड़ा डार्क करके ऐसे स्ट्रोक डालेंगे तो। इस तरह से देखिए स्ट्रोक करने से बैठ जाता है एक कलर के ऊपर दूसरा कलर। देखिए हर एक कलर का अलग एक खासियत होता है, पोलो का एक अलग है, डोम्स का अलग है, इस तरह से हर एक ऑयल पेस्टल का एक अलग खासियत होता है, एक अलग टाइप का इफेक्ट मिलता है। जैसे लेफ्ट साइड में मैंने किया था लाइट से लेकर डार्क, उसी हिसाब से राइट साइड का जो झाड़ी है उसी हिसाब से दिखाना है, लाइट से लेकर धीरे धीरे डार्क। कलर का नाम आप लोग देख लीजिएगा ऊपर में, मैं एक के बाद एक कलर कैसे डाल रहा हूँ। अभी थोड़ा ब्लैक यूज़ करना है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा शेडो होता है और पत्ता का भी थोड़ा डार्कनेस होता है नीचे की तरफ, इसलिए अभी ऊपर में ये जो ट्री है इसमें पहले मैं लाइट से डार्क में, देखिए उस इसी तरह से पहले लाइट ग्रीन फिर येलो ग्रीन, अभी ग्रे ग्रीन करना है आपको। इसी हिसाब से आपको करना है, तो डोम सॉयल पेस्टल थोड़ा सॉफ्ट होने से एक कलर के ऊपर एक कलर हम डाल सकते हैं और थोड़ा पेंटिंग टाइप का इफेक्ट आता है इसमें, जैसे लग रहा ऑयल पेस्ट ऑयल पेंटिंग या एक्रेलिक पेंटिंग जैसा इफेक्ट थोड़ा थोड़ा लगता है। ऊपर में थोड़ा डार्क कर रहा हूँ सैप ग्रीन, जैसे राइट साइड से दूसरा कोई पत्ता डाली आके राइट साइड से दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू हुई कलर यूज करना है। यहाँ पे मैं दूर का पोर्शन दिखा रहा हूँ, इसमें दूर का पोर्शन में ज़्यादातर ना आपको ब्लूइश टाइप का रखना है, इसलिए मैं दूर में ब्लूइश रख रहा हूँ, और मुझे फोकस डालना है सेंटर में, इसलिए सेंटर में मुझे लाइट रखना होगा। हमेशा क्या होता है सिनेमा में, जहाँ पे लाइट होता है वहाँ पे फोकस जाता है, तो मुझे फोकस बीच में रखना है, इसलिए मैं बीच में लाइट कलर रखूँगा और दोनों साइड में थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे, ताकि हम लोगों का फोकस बीच में आए। ऊपर वाला ट्री में येलो और रेड ऑरेंज कलर से बनाएंगे, तो सबसे पहले डीप येलो यूज कर रहा हूं यहाँ पे, इस तरह से कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ जगह पे आपको करना है, कुछ कुछ जगह पे खाली छोड़ना है, ऐसा करके कंटिन्यूअसली नहीं करना है। अभी हम लोग ऑरेंज यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैंने डीप येलो यूज़ किया था उसी का नीचे नीचे थोड़ा ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रियल साउंड रखा है वीडियो का, आप समझ सकते हैं देखिए साउंड से किस तरह से मैं इफेक्ट डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको जूम करके मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिए देख लीजिए अच्छे से किस तरह से करना है आपको। देखिए इस तरह से पत्ता पत्ता हर एक पत्ता अलग दिखे, अलग अलग लगे, स्ट्रोक अलग लगे, इस तरह से करना है आपको। तो इसी हिसाब से मैं कंटिन्यूस से कर रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे मैं छोड़ के कुछ कुछ जगह पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे इसके बाद डार्क भी यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अभी रेड यूज़ कर रहा हूँ, ये
इस तरह से जैसे मैंने पहले किया था, डॉट 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 स्ट्रोक डालना है आपको, तो इस तरह का पत्ता वत्ता इफेक्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ डार्क कलर कैसे दिखिए लाइट कलर के ऊपर बैठ रहा है। देखिए ये डोम्स में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोम्स कलर में एक कलर के ऊपर दूसरा कलर, थोड़ा अगर प्रेशराइज करके आप करेंगे कलर को, देखिए साउंड से आपको पता चल सकता है। नीचे मेरा प्लाईबोर्ड का टेबल है, उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से तो कलर को आराम से बैठ जाता है। ये वाला ड्राइंग में थोड़ा अलग स्टाइल में कर रहा हूँ। पहला वाला ड्राइंग में मैंने ट्री को अलग स्टाइल में दिखाया था, इसमें थोड़ा आपको पेंटिंग स्टाइल में दिखा रहे हैं। अभी मैं 8B ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये पेंसिल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सीनरी में बहुत जगह पे ये पेंसिल बहुत काम का है। अभी मैं यहाँ पे अगर ब्लैक कलर लेके करने जाऊँ, उससे थोड़ा मोटा पोर्शन तो हो जाता है लेकिन पतला पतला डाली दिखाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑयल पेस्टल से, क्योंकि ऑयल पेस्टल करने जाते हैं तो मोटा हो जाता है लाइन। लेकिन हर जगह पे मैं मोटा नहीं दिखा सकता पेयर कट डाली, इसलिए पेंसिल बहुत काम का है मेरा सिरानी में। ऐसा मैंने पेंसिल एक दर्जन लेके रखा है क्योंकि हमेशा मुझे काम आता है ये वाला पेंसिल। ये स्टेडलर का है मार्स ल्यूमोग्राफ 8V ग्राफाइट पेंसिल। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं कलर। इससे बहुत ही डार्क कलर होता है और कोई भी कलर के ऊपर बैठ जाता है ये पेंसिल, इसलिए बहुत काम का है। जहाँ पे जहाँ पे ब्लैक करना है पेंसिल से ज़्यादातर मैं करता हूँ। देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे आराम से डाली, देखिए आराम से निकल रहा है डाली पेंसिल, आराम से पेंसिल का कलर बैठ जाता है कलर के ऊपर। देखिए इस तरह से पतला भी निकल रहा है, मोटा भी कर सकता हो, पतला भी कर सकता हो, यूज़ करके आराम मिलता है। इस तरह से करना है आपको। और पेंटिंग में ऐसा नहीं है ब्लैक का जगह पे मुझे ब्लैक कलर यूज़ करना है, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे, जिससे जिस तरह से लगे उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से अभी ऊपर में मैं जो रेड ऑरेंज से ट्री बनाया था उसका पत्ता तो नीचे आएगा ना, क्योंकि पत्ता झर के पत्ता गिर के नीचे भी गिरता है पत्ता, तो ऊपर वाला कलर जो ट्री है उसी वाला कलर का पत्ता नीचे भी दिखाना होगा, इसलिए रेड डीप येलो ऑरेंज मेरून कलर से नीचे भी रेड कलर करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पत्ता नीचे भी दिखाना है, क्योंकि ऊपर में जो ट्री होता है उसका पत्ता तो नीचे भी झर झर के गिरता है, तो इसलिए नीचे रेड दिखाएंगे। उसी हिसाब से देखिए ऊपर में कलर मैंने मेंशन किया हुआ है, डीप येलो ऑरेंज रेड मेरून, इसी सब कलर से आपको करना है। कुछ कुछ जगह पे मेरून, कुछ कुछ जगह पे रेड, कुछ कुछ जगह पे ऑरेंज, इस तरह से दिखाना है आपको। अभी बीच में थोड़ा मैं वायलेट कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये शेडो के लिए यूज़ करो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और थोड़ा ग्रे। ये ट्री का जो शेडो होता है ये डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा वायलेट और ग्रे कलर से करेंगे, अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा कलरफुल लगेगा क्योंकि ये पूरा ड्राइंग ही कलरफुल बना रहे हैं। थोड़ा मैं हाथ से यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ कलर। मैंने कहा था आपको जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से कीजिए। आपको आपको अगर कॉटन से मिक्स हो रहा है कॉटन से कीजिए, और अगर आपको कॉटन बर्ड से मिक्स हो रहा है तो कॉटन बर्ड से मिक्स कीजिए, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे। ये मेरा टेक्निक है, मैं इस तरह से करता हूँ। अगर आपको अपना कोई टेक्निक है जिससे आपको कंफर्टेबल लगे तो आप कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे मैं मेरून यूज कर रहा हूँ कलर। अभी मैं लास्ट में थोड़ा ब्लैक यूज़ करेंगे थोड़ा। अभी मैं थोड़ा राइट और लेफ्ट और बीच में थोड़ा ब्लैक यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे बीच में फोकस डालना है, और जहाँ पे लाइट होता है फोकस वहीं पे जाता है, इसलिए थोड़ा सामने और दोनों साइड में थोड़ा डार्क करने से फोकस बीच में जाएगा। थोड़ा कलर मिक्स कर लीजिए ऐसे हाथ से। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जगह पे डार्क दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं जगह पे थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ कलर को इस तरह से,
आपको करते जाना है। कुछ कुछ जगह पे मैं मेरून कलर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे रेड। अभी पेंसिल से थोड़ा दोनों लाइट पोस्ट यहाँ पे बना लेते हैं पेंसिल से। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ अभी। ये मैं HB कलर HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फिगर है बहुत दूर में ऐसा दिखाना है, इसलिए थोड़ा लाइट में रखेंगे और ब्लर थोड़ा रखेंगे तो लगेगा बहुत दूर में है फिगर। अगर थोड़ा डार्क और थोड़ा डिटेल्स में डालेंगे तो नज़दीक लगेगा, इसलिए थोड़ा मैं ब्लर में और लाइट में रखा है फिगर को। देखिए लग रहा है थोड़ा दूर में, बहुत दूर एक फिगर, एक कोई चल के जा रहा है। ऊपर में थोड़ा डार्क दिखा रहेंगे और कुछ कुछ जगह पे डार्क दिखाएंगे। इस तरह से देख लीजिए, अभी मोटा मोटी मेरा पेंटिंग रेडी हो गया। बीच में थोड़ा व्हाइट यूज़ करेंगे कुछ कुछ जगह पे। पहले टेप खोल लेते थोड़ा। ये देखिए मोटा मोटी हो गया। अभी थोड़ा कुछ कुछ जगह पे मैं व्हाइट कर रहा हूँ, हल्का हल्का कुछ कुछ जगह पे मुझे थोड़ा व्हाइट दिखा रहा है क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा हल्का व्हाइट सामने लगने से अच्छा लगेगा। देखिए हो गया एक कंप्लीट। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पहले ड्राइंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर साउंड एड करना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है आपका लाइक जब मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करते हैं हमेशा कुछ अच्छा आप लोगों को सिखाने का, कुछ अच्छा आप लोगों को देने का। जो मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप लोगों को कुछ नया देने का।